आसमान में ललकार, जमीन पर हुंकार, यूक्रेन बनेगा जंग का मैदान। रूस का वार, यूक्रेन का पलटवार, रूस ने फौज घटाई या बढ़ाई? सैटेलाइट तस्वीरों से रूस एक्सपोज्ड हुआ। रूस की मीडिया ने क्यों कहा यूक्रेन ने दागे ग्रेनेड? रूस का फाइटर, अमेरिका का हंटर, आसमान में रूस और अमेरिका का आमना सामना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विदेश की बात गगन के साथ। आज हम बात करेंगे कि यूक्रेन संकट को लेकर पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका जता रहा है, तो रूस कह रहा है कि वो हमला करने ही नहीं जा रहा। लेकिन इन दावों के बीच में तो तलवारें अब खींच चुकी हैं। परमाणु बम से लैस अमेरिका और रूस की सेना के बीच में तनाव का एक नया केंद्र बन चुका है भूमध्य सागर। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भूमध्य सागर से आसमान पर अमेरिका का सबमरीन हंटर P-8 और रूस का सुखोई 35 अचानक आमने सामने आ गए, तो खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया। रूस यह जानता है कि अगर यूक्रेन के साथ जंग हुई तो उसका मुकाबला सिर्फ यूक्रेन सेना ही से नहीं, अमेरिका से भी हो सकता है। इसलिए रूस ने अपने बेड़े में सुखोई 35 को शामिल कर लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव में कई मोड़ आ चुके हैं और शायद अभी कई और मोड़ आएंगे भी। एक और रूस की मीडिया दावा कर रही है कि यूक्रेन की सेना ने पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थकों पर ग्रेनेड और मोर्टार से हमला किया, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दावा किया कि रूस की सेना न सिर्फ बॉर्डर पर डटी हुई है बल्कि करीब 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए गए हैं। फौज में कमी के रूस के दावे पर ना नाटो को भरोसा, ना ब्रिटेन को, ना अमेरिका को। यहाँ तक के अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई तो यूक्रेन ने भी कमर कस ली। यूक्रेन के सैनिक तैयारियों में जुट चुके हैं, किसी भी खतरे से निपटने के लिए ड्रिल कर रहे हैं। जमीन से आसमान तक को सुरक्षित करने के साथ यूक्रेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा की भी कोशिश तेज कर दी है। सैनिकों के ड्रिल में यूक्रेन के राष्ट्रपति भी पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने सैनिकों को उत्साहित किया। रूस आसमान में भी अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। अमेरिका की हर चाल देने के लिए रूस की एयरफोर्स भी तैयार है। उधर युद्ध की आशंकाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्राजील के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश में जुटा है। जब दुनिया युद्ध की आशंका जता रही है तब ब्राजील के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे और इसी दौरान रूस ने ब्राजील में नए पावर प्लांट्स भी लगाने का समझौता किया, यानी कि ब्राजील के राष्ट्रपति का मॉस्को में स्वागत करके पुतिन ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि यूक्रेन और रूस में कोई तनाव नहीं है, ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना अभी भी मैदान में डटी हुई है। सैन्य रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर चाल चली जा रही है। दोनों तरफ से संकेत साफ है कि अगर हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।